और बोकारो के पिंडराजोरा थाना के घटियाली में मां मनसा की मूर्ति विसर्जन के दौरान देर शाम अचानक अंधाधुंध फायरिंग में दो लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। खबर मिलने तक दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी कार्तिक एस, चास एसडीओ सतीश चंद्र, चास एसडीपीओ महेश कुमार सिंह और जिला परिषद सदस्य संजय कुमार और संबंधित थाना मौके पर पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि घटियाली के पूर्व मुखिया और कुख्यात अपराधी निरंजन करपदार के खिलाफ गांव के कुछ लोगों ने कोर्ट में गवाही दे दी थी, जिसे लेकर मतभेद चल रहा था और रविवार देर शाम इसी बात को लेकर मां मनसा के मूर्ति विसर्जन के समय निरंजन करपदार गुस्से में आकर गवाही देने वालों से उलझ गया और इसी दौरान उसने अपने पास रखे बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। करके आ रहे थे तो मेरे पिताजी के साथ निरंजन कपड़ा जो है बोल रहा है कि एक केस था, बोल रहा है कि तुम गवाही दिया है, तो मेरा पिताजी बोल रहा नहीं दिए हैं। तब तो हम जाके बोले कि चलिए अगर गवाही दिया है चलिए घर में आपका घर चाहे मेरा घर में जाके फैसला करते हैं। तो वही बोला कि नहीं तुम गवाही दिया तो मेरे पिताजी बोल नहीं दिए। तो एक मूर्ति बिचन हुआ था ठेला ठेली थोड़ा सोरा तो गोली फायरिंग करनी स्टार्ट कर दिया। कितना फायरिंग किया? मेरे सामने तो दो किया था, उसके बाद हम घर दौड़ दिए, गोली जहाँ लगा था घर तरफ दौड़ दिए थे। अभी तक जांच में यही बात सामने आई है कि उधर जो निरंजन प्रसाद है उनको जो है पहले ही एक गोली का कांड में जो है जेल में रह करके आया और उस कांड में जो अभियोजन पक्ष का साक्ष्य के रूप में जो काम कर रहे थे इन लोगों का ऊपर जो है वो आज आके धमकाने के नियत से जो है गोली चलाया। तो इसमें पुलिस जांच में जुटी हुई है और बहुत जल्दी अनुसंधान कंप्लीट होगी। निरंजन भी कुल कितने लोगों को गोली लगी? दो। कितना राउंड गोली चला? पांच छह चला।